घटना बेगूसराय एसपी ऑफिस का है, जहां एसपी ऑफिस में फरियादियों के साथ पुलिस की हाथापाई हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के मुताबिक बीते 4 फरवरी को बरौनी थाना इलाके के राजबारा गांव में अपराधियों ने गौतम कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस इस केस में लापरवाही बरत रही है। परिजनों का आरोप है कि हत्या के मामले में पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज मृतक के परिजन शनिवार को एसपी आकाश कुमार से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे, जहां एसपी अपने ऑफिस में नहीं मिले। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। हंगामा मचा रहे लोगों को समझाने पहुंचे पुलिस वालों के साथ उनकी हाथापाई हो गई। परिजनों का कहना है कि जब तक हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक वे लोग एसपी कार्यालय में बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि 4 फरवरी को सामान खरीदकर अपने घर लौट रहे गौतम कुमार को गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी। डीएसपी हेडक्वार्टर कुंदन कुमार सिंह ने परिजनों को जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और प्रतिनिधि मिलकर दारू युवक था, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका विरोध किया। उस दिन गोली चलाया है, सरस्वती पूजा में गोली चलाया, वही अपराधी उस पर मारने के लिए, लेकिन डर से उसके डर से फरियाद नहीं किया। आप ये भले बताइए, इस शराब का विरोध जब आप जानते हैं, आपके लोग जानते हैं, इंजीनियरिंग का छात्र रहते हुए जानते हैं कि शराब बेच रहा है, विरोध कर रहा है, तो विरोध बेचने वाले की मुंह पर नहीं किया जाता है। उसके लिए लोग डीएसपी को फोन करता है, एसपी को फोन करता है। धरा कैसे गया सर? धरा गया हम लोग ने किया